अच्छा बताइए कि क्या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, किसी भी रिश्ते को खुश रखना या किसी भी रिश्ते में खुश रहना? शायद आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा कि ये दूसरा वाला ऑप्शन थोड़ा आसान है ना जिया, क्योंकि खुश रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और खुश रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। याद है जब हम छोटे थे, मम्मी कहती थी कि सबके साथ मिलजुल के रहना, किसी भी बर्थडे पार्टीज में, किसी फंक्शन में, पिकनिक में जाते थे तो मम्मी कहते थे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, नहीं तो अकेले हो जाओगे। ये जो अकेले हो जाओगे, ये अकेला होने का डर ना बचपन से इंसान के अंदर डाला गया है, बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इट्स लाइक वी आर अ सोशल एनिमल, हम रिश्तों के बिना जी नहीं सकते। पर उसके साथ हमें ये नहीं सिखाया गया कि आप अपनी बाउंड्रीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ पे आपकी वैल्यू ना की गई हो, जहाँ आपको लगे कि आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ये रिश्ता एक तरफा है, वहाँ आप अपने लिए स्टैंड कैसे लें, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी तो रिश्तों के ही हैं, ये हमें क्यों नहीं सिखाए गए? सो इन दिस जनरेशन या इन दिस टाइम वी शुड लर्न कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या सामने वाला उतना ही ईगर है हमारे साथ इस रिश्ते में जुड़ने के लिए? वरना एक इंसान केयर कर रहा है, एक इंसान हैप्पी रखने की कोशिश कर रहा है, एक इंसान फिक्र कर रहा है, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, इस रिश्ते को चलाने के लिए दो पहियों का काम एक ही इंसान कर रहा है। और फिर आगे जाके कुछ सालों के बाद उसे एहसास होता है कि उसके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए और ये जो घाव है वो जल्दी भरता नहीं है, फिर वो इंसान कड़वा होता जाता है और इसकी असर दूसरे सारे रिश्तों पर होती है। ऐसे लोग बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू मैनेज, ऐसे रिश्ते लाइफ में कम होने चाहिए, मैं तो कहूँगी ना के बराबर होने चाहिए, जहाँ सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये एक तरफा रिश्ता है, एक साइड से रोटी को हम सेकेंगे ना तो वो जल जाएगी। रिश्ता दो लोगों से बनता है, इसलिए अगर जहाँ आपको खुश रखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, सिंपल वहाँ आप खुश है ही नहीं। मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी कि हम माओ को एक आदत हो जाती है, हमेशा अपने बच्चों को वो ऐसे ही सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो ना बस एडजस्ट करो, और इस चक्कर में हमें रिश्तों के साथ भी एडजस्ट करने की आदत हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर हमारा किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है या फिर कुछ भी मनमुटाव हो जाता है तो हम घर से हमें यही ज्ञान मिलता है, लेट गो करना, फ्रेंड है तेरा, अरे थोड़ा चला दे, पति तो है, थोड़ा एडजस्ट कर ले यार, तेरे ही अपने हैं, एडजस्ट करेंगे। पर जब बार बार ऐसी पैटर्न होती है तो हमारे दिल पे, हमें खुद पे सवाल होता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या आई चूज अ रॉन्ग पर्सन? नहीं रिजर्व करते आप ऐसा बिहेवियर सामने वाले का, मतलब किसी और की खुशी की जिम्मेदारी आपकी क्यों हो? आपको इस इंसान को प्रायोरिटी देनी है, उसकी खुशी का ख्याल रखना है, और सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो इंसान तब खुश होगा जब आप उसे खुश रखोगे। आप ऐसे लोगों को हमेशा अपनी लाइफ से दूर रखिए, जिनको खुश रखने के लिए आपको हमेशा खुद को ना कहनी पड़े और उसे हाँ कहनी पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप क्या होगा, आपको यही लगेगा कि ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से टिका हुआ है। ये बहुत डिफिकल्ट फेज हो जाता है जब हम किसी और को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद पे ले लेते हैं और सामने वाले को ये रियलाइज कराते हैं कि डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। नो, आप इस रिश्ते को बहुत रॉन्ग दिशा में लेके जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी उनके लिए कर लो फिर भी हमेशा कोई ना कोई कमी पड़ जाती है, वो हमेशा सिर्फ आपके बारे में कंप्लेन करते रहेंगे। आप उनके लिए कितने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो, आपके लिए उनके लिए कुछ भी करो, उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहो, या फिर आप उनके लिए अपनी सारी चीज़ों को साइड में प्रायोरिटीज रख दो लेकिन उनको प्रायोरिटी रखो, फिर भी उसमें से गलतियाँ निकालेंगे। दो लोग जब एक रिश्ते में होते हैं तो एक दूसरे को यू नो कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे की खामियों को अपना के उसे कंप्लीट करते हैं। तो ये कंप्लेन बॉक्स वाला रिलेशनशिप जो है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप किसी और को हमेशा सेटिस्फाइड करने के लिए अपने आप को दिन ब दिन मार रहे हो, ऐसे रिश्ते क्यों चाहिए हमें लाइफ में, कभी सोचा है आपने? और कुछ लोग इतने डिफिकल्ट होते हैं, जब आप उनसे कहते हैं कि आई केयर फॉर यू फिर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब आप उनसे कहते हैं कि मुझे सचमुच तुम्हारी फिक्र है, ट्रस्ट करो मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, फिर भी उनको कभी ट्रस्ट नहीं होता,
ऐसे लोगों के साथ एक डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है जब आप जुड़ते हो, क्योंकि उसे खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो फिर वो आपके प्यार के ऊपर या आपके विश्वास के काबिल हो ही नहीं सकता है। और फिर वो रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज होके अलग होता है, और फिर उसके घाव इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि फिर हम किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और जो लोग इस बात को मानते नहीं हैं कि कोई उनको प्यार कर सकता है, वो लोग खुद को भी प्यार नहीं करते। और जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता, वो किसी और को प्यार, विश्वास या सम्मान जीने के लिए कैसे दे सकता है? जस्ट इमेजिन। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस रिश्ते में खुश रहना चाहते हो, कि आप सचमुच वहाँ जो मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका टाइम, आपका एनर्जी बिना अफसोस आप खर्च कर रहे हो, इट्स वर्थ इट और नॉट। और जहाँ आप खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्या आप उस रिलेशनशिप में अकेले ही इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर इन सवालों के जवाब आपको ना मिले, तो समझ लो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो फेस कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, या टाइम कोई भी हो, आफ्टर ऑल हम सबको एक चीज़ लाइफ में चाहिए, हैप्पीनेस।